आप सभी युवाओं को फैशन और ग्लैमर की दुनिया में एक सुनहरा मौका, मिस्टर एंड मिस सुपर मॉडल 2021। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय गौरव फार्मा, ऑर्गेनाइज्ड बाय रोहित राज, सेलिब्रिटी जज मिस्टर इंडिया राहुल राज सेकरन एंड मिस्टर वर्ल्ड रोहित खंडेलवाल। ऑडिशन डेट 15 नवंबर 2020। तो देर किस बात की है, आज ही रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कॉल करें 9102598912, 9128056704। ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉगिन करें www.rpsbiharshareef.com। हिलसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी रंजीत सिंह के लिए पत्नी दीपिका कुमारी ने मतदाताओं से मांगा वोट। हिलसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी रंजीत सिंह के लिए मतदाताओं से अपनी पति के पक्ष में मतदान करने के लिए मतदाताओं को किया गोलबंद। हिलसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रघुनाथपुर, वाराबीघा, नदहा, भुंडकुंड, नदवर, भुतहर, नेत्रहमा, बेरमा, मई आदि दर्जनों गांव का दौरा कर मतदाताओं को अपने पति रंजीत कुमार के लिए जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से वोट करने की अपील की। इस मौके पर दीपिका कुमारी ने बताया कि लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा हमारे पति रंजीत कुमार को हिलसा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है। आज हमारे द्वारा दर्जनों गाँव का दौरा कर लोगों से अपने पति के लिए प्यार और आशीर्वाद के रूप में मतदान करने की अपील किया। उन्होंने कहा कि हमारे पति का एकमात्र विजन है हिलसा अनुमंडल को जिला का दर्जा दिलाना, हिलसा विधानसभा किसानों शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार का अवसर पैदा करना ताकि यहां के किसानों की खेती से अच्छी कमाई हो सके और युवाओं का बेहतर शिक्षा मिल सके। उन्होंने कहा कि इस बार हिलसा विधानसभा क्षेत्र से जनता उन्हें भरोसा दिया है कि इस बार अपने पति रंजीत कुमार को अपना एक एक मत देकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिलसा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए हमारे पति हमेशा सुख और दुख में उनके साथ रहेंगे। विकास के मुद्दा पर चुनाव लड़ा जा रहा है। पहला उनका मुख्य एजेंडा है कि हिलसा को जिला बनाया जाए। शिक्षा, बेरोजगारी, ये सब समस्या, मूलभूत जो समस्या है उसको दूर किया जाए। आप अपने पति का समर्थन में चुनाव प्रचार में आई हैं, क्या रुझान है लोगों का? लोगों का रुझान तो आप देख ही रहे हैं, और मैं पिछले विधानसभा चुनाव लड़ी हूँ तो उससे ज़्यादा समर्थन मुझे इस बार दिखाई दे रहा है। लोगों का हुजूम, नौजवानों का हुजूम उनके साथ चल रहा है। जैसे लग रहा है कि नौजवान लोग पूरा समर्थन के साथ हम लोग के साथ जुड़ गए हैं। नौजवान को छोड़िए ना, बूढ़े, अभिभावक, सब लोग हमारे साथ हैं, सारे समाज हमारे साथ हैं। हम लोग बिना जात धर्म से उठकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग को सभी जात का साथ मिल रहा है। इस बार आप अपने कॉन्टेस्ट के रूप में आप अपने जो प्रतिद्वंदी के तौर पे आप किस पार्टी को देखती हैं? वो तो सोचना जनता का काम है। मैं तो एक नंबर पे हूँ, ये आपको बता रही हूँ। यानी जीत सुनिश्चित है? जीत सुनिश्चित है। आप आखिरी यानी जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं हम लोग के माध्यम से? आप लोग मीडिया भाई के माध्यम से मैं जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि आप अपने उम्मीदवार को एक बार मौका दीजिए। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपादित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन नालंदा द्वारा मतदान कर्मियों की प्रशिक्षण हेतु एक सुसज्जित मतदान केंद्र बनाया गया है। जिले के सभी मतदान केंद्रों पर कोविड को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रकार की सुविधा मुहैया की गई है। मतदाताओं के लिए स्वच्छ पेयजल, रैम, शौचालय एवं प्रतीक्षालय आदि की व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्र पर सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए पंक्ति में खड़े रहने के लिए गोल घेरे में जगह चिन्हित किए गए हैं। प्रतीक्षारत मतदाताओं को बैठने के लिए केंद्र पर ही शेड आदि स्थापित किए गए हैं। संक्रमण के प्रसारण को रोकने के उद्देश्य से मेडिकल टीम द्वारा मतदान केंद्रों पर सभी मतदाताओं का थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा।
तथा समान तापमान वाले मतदाताओं को ही सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे की अवधि के दौरान मतदान करने की अनुमति होगी। थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान यदि किसी मतदाता के शरीर का तापमान निर्धारित तापमान से अधिक पाया गया तो उन्हें मतदान अवधि के अंतिम घंटे यानी 5 बजे से 6 बजे के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुपालन करते हुए मतदान कराया जाएगा। सभी मतदाताओं को ग्लव्स उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके हाथ भी सैनिटाइज भी करवाए जाएंगे। पीठासीन पदाधिकारी से लेके सभी मतदान कर्मी मतदाताओं की सुरक्षित मतदान करने का उपदेश से बहुमूल्य सहयोग करेंगे।